सामने आया। महानगर थाने के अंतर्गत आने वाली फंडा मेकर्स कोचिंग संचालक सूर्य प्रताप सिंह पर महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले पर महानगर थाने में FIR दर्ज भी कर ली गई है। शिक्षा और शिक्षक दोनों का ही काम किसी के भविष्य को सुधारने और निखारने का होता है, मगर वही शिक्षक जब गलत कामों में सम्मिलित हो जाए तो अंजाम और नतीजे क्या होंगे, उसकी वानगी राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में देखने को मिली है। महानगर थाने के अंतर्गत संचालित फंडा मेकर्स कोचिंग के संचालक सूर्य प्रताप सिंह पर महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी ने न केवल दुष्कर्म का आरोप लगाया बल्कि कोचिंग संचालक सूर्य प्रताप सिंह के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी महानगर थाने के सुपुर्द कर दी है। इस पूरे मामले पर कोचिंग संचालक सूर्य प्रताप सिंह पर FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल यह है, शिक्षा और शिक्षक को बदनाम करने वाले ऐसे लोग आखिर कब तक अपने काम और अपनी कारगुजारी से जाने जाएंगे? सवाल यह है, आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? कब ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे? कैमरा मैन जुबैर अहमद के साथ मैं NK तिवारी, K News, लखनऊ। खबर